नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में पुनः आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का हम लोग का टॉपिक है द्विक सहसंयोजक बंधन। जी हाँ दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बता दिया, एकल सहसंयोजक बंधन जो है कि सहसंयोजक बंधन का टाइप है, जिसमें ये दूसरा टाइप है जिसे हम लोग बोलते हैं द्वि सहसंयोजक बंधन। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज के इस टॉपिक में हम लोग द्वि सहसंयोजक बंधन क्या होता है विथ एग्जाम्पल। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसे एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि द्वि सहसंयोजक बंधन क्या होता है। तो द्वि सहसंयोजक बंधन जो है कि डबल कोवलेंट बॉन्ड जिसमें दो दो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो, ठीक, उसे हम लोग बोलते हैं द्वि सहसंयोजक बंधन। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो होता है कि दो दो इलेक्ट्रॉन अपने साझा करके अपना स्टेप पूरा करते हैं। तो इसके अनुसार जो है कि ये बोला जाता है द्विक सहसंयोजक बंधन। तो दोस्तों इसको हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल लेकर समझेंगे कि द्विक सहसंयोजक बंधन होता क्या है। तो चलिए इसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि इसके एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं O2 यानी कि ऑक्सीजन का। तो इसमें जो होता है O2 में इसका ये होता है ऐसे फॉर्म रहता है, मतलब दो 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 बॉन्ड बनते हैं उसमें दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा होने के कारण। तो चलिए देखते हैं, एक ये ऑक्सीजन है और ये एक ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन के जो बाकी कक्षा में जो है कि दो दो इलेक्ट्रॉन, दो सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, तो लीजिए मैंने 6 इलेक्ट्रॉन बना दिया, ये यहाँ पे हो गया, और इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन मैं होल से दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसमें क्या होता है कि इसमें दो इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको अष्टक पूर्णांक लेकर ले गया, यानी कि 8 बनने के लिए इसको दो इलेक्ट्रॉन और मिलेगा तो ये 8 बन जाएगा। तो 8 बनने के लिए इसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दो इलेक्ट्रॉन किसे चलेगा। ठीक, तो मान लीजिए ये दोनों ऑक्सीजन ही है। अब ये दो इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। इसीलिए अब दोनों का अष्टक पूरा करने के लिए जो है कि साझेदारी करते हैं, यानी कि दोनों का काम भी हो जाए, किसी का लॉस भी ना हो। ठीक, तो ये जो होता है कि देखिए आप यहाँ से ये दो इलेक्ट्रॉन लेकर अपना अष्टक पूरा कर लेता है, ये देख रहे हैं 6 2 8 हो जा रहा है, और ये इसका भी ये इससे दो इलेक्ट्रॉन लेकर साझेदारी करके ये पूरा कर लेगा, यानी कि दोनों का काम भी हो जाए और किसी का लॉस भी ना हो। यही कहलाता है सहसंयोजक बंधन। और सहसंयोजक बंधन में जब दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, सॉरी हाँ साझेदारी होता है, ठीक, तब उसे बोलते हैं हम लोग द्वि सहसंयोजक बंधन, यानी कि दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा होना। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो है कि क्या होता है द्वि सहसंयोजक बंधन, यानी कि दो दो इलेक्ट्रॉन साझा। और सिंपल इसका जो है कि सिंबल होता है, इसे हम लोग डबल बॉन्ड से दिखाते हैं, ये द्वि सहसंयोजक बंधन है। ठीक, तो चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने जो बताया वही लिखा हूँ कि जब दो परमाणुओं के बीच, देख रहे हैं, दो परमाणुओं के बीच दो दो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो, ये साझेदारी हो, तो उसे हम लोग जो है कि द्विक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि द्विक सहसंयोजक बंधन क्या होता है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है कि जो द्विक सहसंयोजक बंधन होता है उसका मैं एक्सप्लेन करूंगा कि वो द्विक सहसंयोजक बंधन होता क्या है विथ एग्जाम्पल। तो दोस्तों
इसी तरह करते रहिए, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि सभी नए अपडेट आपको मिलता रहे और आप रेगुलर स्टडी करते रहें। थैंक यू।